सो हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हो गया मंडे, टाइम हो रहा है आई थिंक अराउंड 11 और 11:30 AM हो गए, और बाहर का मौसम आपको नजर शायद थोड़ा बता भी दिखा भी देती हूँ, बारिश हो रही है आज। सो ये देखें, सारा बाहर जो है ना फ्लोर गीला गीला सा हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है। तो और ये मैंने भिगोए हैं काले चने, बिकॉज एवरी वीक एक दफ़ा तो हम ये बनाते हैं क्योंकि यू नो वी लव देम सो मच। तो अभी मैं जो है ना ये पराठा बना रही हूँ और नाश्ता। जासर यहाँ बैठा है मेरे पास, और वकार भी जो है ना अभी तक जॉब पे नहीं गया, आज थोड़ा सा लेट कहीं और जाना था तो थोड़ा सा लेट जाना है, तो बस वो भी रेडी हो रहा है। सो यहाँ पे वकार रेडी हो रहा है और जासर जो है ना मंकी बना हुआ है, नीचे क्यों फेंका हुआ सारा कुछ। बाय बाबा, अल्लाह हाफिज़ कह दो। बाबा जॉब पे जा रहे हैं ना, जल्दी आना। ओके, बाय बाबा, लाफिस करो जाके। ओए बाहर नहीं जाना था, सॉरी। चला चला। तो वकार हैज गॉन टू वर्क नाउ, तो अभी बच्चे मैं और युजार सिर्फ पीछे हैं, तो अभी मैं जो है नाश्ता जल्दी जल्दी से बना के करते हैं फिर, और फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा आज का नाश्ता और ये रही मेरी चाय, तो अभी हम चलते हैं अंदर। युजार सिर्फ हेल्प मी प्लीज, ये अंदर लेके जाओ। थैंक यू। एग इससे निकाल लेते हैं, युजार सिर का जूस ये भी ले जाओ बेबी। हाँ जी, तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 2-3 दफ़ा स्टोरी डाली कि मुझे कंटेंट सजेशन दें, कोई 2-3 दफ़ा मुझे जो है ना शूज़ कलेक्शन, हील कलेक्शन, सैंडल कलेक्शन, जो भी है कैलेंडर, ओवरऑल शूज़ कलेक्शन पे वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट किया गया। तो आज जो है ना मेरा ऐसा कोई माइंड तो नहीं था बनाने का, बट एकदम बैठे बैठे मेरे ख्याल आया माइंड में कि चले बना लेते हैं आज शूज़ कलेक्शन पे भी वीडियो। मेरे पास यहाँ यूके में इस टाइम फिलहाल मेरे पास इतने ज़्यादा शूज़ नहीं है, अभी मैं पाकिस्तान होके आई हूँ तो वहाँ पे मैं काफ़ी अपने छोड़ आई थी, क्योंकि यहाँ पे मैं इतनी हील्स नहीं पहनती, बहुत ही कम होता है कि हील्स पहनने की ज़रूरत हो, वरना जॉगर्स और ट्रेनर्स या इस तरह के जूते, इस टाइप के जूते ही जो है ना वो चल जाते हैं, और अगर वो नहीं तो फिर मैं फ्लैट्स या सैंडल्स पहनती हूँ, हील्स मैं बहुत कम पहनती हूँ यहाँ पे भी, और पाकिस्तान में भी मैं हील्स बहुत कम पहनती हूँ, थोड़ी बहुत हील जो है ना वही पहनती हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और एक शॉर्ट भी मैंने एक दफ़ा बनाई थी अपने शूज़ पे, तो वो भी आप जो है ना मेरे पिछले वीडियो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो सारे जूते ना मैंने कुछ इस तरह से रख दिए हैं, इस टाइम मेरे पास फिलहाल जो यहाँ पे हैं उनको मैंने इस तरह से डेकोरेट करके रख दिए है, दुकान खोल ली है, और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। तो ये जूतों के लिए देखें अलग अलग उन्होंने सेक्शन बनाया, तो उसमें जूते काफ़ी जो है ना वो स्टोरेज के लिए जो है ना बेस्ट है। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कौन सा कहाँ से लिया हुआ है, और चलें फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ी सी हील्स हैं इस तरह से कंफर्टेबल सी, तो इससे स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से इसकी लुक है, और इसकी हील भी बहुत कम्फर्टेबल सी है, और ये मैंने ली थी बोर्जन से बहुत टाइम पहले। तो ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी, बहुत ही क्यूट है वैसे, प्यारी है। मैं पता नहीं क्यों नहीं पहनती, मुझे जूतों का वैसे इतना शौक नहीं है, मैं एक जूते से ही काम चला लेती हूँ। तो ऑनेस्टली मुझे अभी कहीं भी जाना ना, तो मैंने अपने दरवाजे के पास जॉगर्स रखे हुए हैं या फिर एक दो सैंडल पड़े हैं, तो उनमें से कोई भी पहनती हूँ मैं चली जाती हूँ। मुझे जूतों का इतना वैसे शौक भी नहीं है, मतलब है लेकिन पहनने का इतना शौक नहीं है, एक जूता या दो जूते वही मैं पहन रिपीट करके पहन के ना तो मेरा हो जाता है गुजारा, मुझे इनका इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी खरीद में लेती हूँ। तो अभी ये जो मैंने अभी पहला आपको दिखाया है ना, ये मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है ना, तो अब मैं इसको निकाल के पहनूंगी। तो इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं उतार के, और नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो अभी मैं ये वाला उठाती हूँ, ये मैंने बूहू से लिया था ऑनलाइन, और ये मैंने एक दफ़ा सिर्फ पहना है, वो भी मैंने अपनी बर्थडे पर पहना था, तो अभी पहन के दिखाती हूँ। तो ये वाला मुझे थोड़ा सा फिटेड है, और ये मैंने अपनी पिछली बर्थडे पर ख़रीदा था, और तब मैंने पहना भी था, और बहुत अच्छा इसकी भी लुक आती है। पिछले दिनों तब लिया था जब वो ट्रांसपेरेंट बैग के ट्रांसपेरेंट जूते बहुत चले थे ना, इन हुए थे, तब मैंने ये वाला ख़रीदा था। तो खैर अभी भी प्यारा है वैसे, बस थोड़ा सा टाइट है। तो चलें ये भी आपको दिखा दिया। तो उसके बाद मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ जो कि मैंने एसोस या ASOS जो भी उसको जिस तरह भी कहते हैं वहाँ से लिया था, और ये मैंने लिटरली एक दफ़ा भी नहीं पहना, लेकिन ये बहुत ही मुझे क्यूट लगा था जब मैंने लिया था,
और लेकिन आप ये देखें कितना क्यूट बना हुआ है, कंफर्टेबल भी बहुत है और इसका कलर भी देखें कितना अच्छा है। तो ये इंशाल्लाह मैं पहनूंगी कमिंग डेज में, कमिंग वीडियोस में चलाऊंगी इनको भी, पहनूंगी किसी फंक्शन वगैरह पे। उसके बाद ये वाला मेरा है सैंडल टाइप, ये भी मुझे थोड़ी सी फिटेड है, ये मुझे जब मैंने ली थी तभी थी लेकिन मुझे इतनी प्यारी लगी थी कि मैंने इसको खरीद लिया, आई कुडंट रिजिस्ट। तो ये मैंने बोर्जन से ली थी पाकिस्तान से ईद पे, तो मैं पहनती हूँ वैसे टाइट है फिर भी पहन लेती हूँ। उसके बाद ये चीता प्रिंट आ गया, ये मैंने ली थी आई थिंक प्राइमार्क से, तो ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है लेकिन पहनती नहीं हूँ, पहनती हुई है एक दो हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला जूता है, अब इसको खोलना पड़ेगा, तो इसका मैं एक ही पाँव पहन लेती हूँ क्योंकि ना मुझे बंद वाले और खोलने वाले जूते जो है ना वो इतने खास नहीं अच्छे लगते, हालांकि ये बहुत प्यारा बना हुआ है। तो इस तरह से है कुछ, ये इसकी हील भी थोड़ी सी बड़ी है तो, लेकिन ये बहुत प्यारा है, कि भी मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना तो फिर साथ लेके जाऊँगी और वहाँ पहनूंगी ये वाला। अभी मैं रिसेंटली जब पाकिस्तान गई थी ना तो ईद पे ECS से लिया था और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत कम्फर्टेबल है, मुझे इस तरह की पसंद है, थोड़े से कम्फर्टेबल पहनने में भी हो जाए और ईजी ईजी सब जूतों के सब कपड़ों के हाथ चले जाएँ, तो ये वाला मुझे है ना प्यारा लगा। उसके बाद ये खुस्सा है जो कि सिंपल मार्केट से लिया था और एक दो दफ़ा पहना है मैंने, इस तरह के भी अच्छे लगते हैं खुस्सा टाइप जो होते हैं ना, सो या। उसके बाद ये वाले तो आपने मेरे काफ़ी देखे होंगे, ये वाला शायद नहीं देखा होगा, ये भी मैंने सिंपल यहाँ पे कोई फंक्शन मतलब इवेंट सा था तो वहाँ से लिया था, ब्रांड का नहीं है। उसके अलावा ये भी मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैं काफ़ी पहनती हूँ, ये मैंने मेट्रो से लिया हुआ, ये भी ASOS का है, ये सोमा का जो ऑनलाइन है उनकी वहाँ से, ये भी सोमा से लिया था और ये भी किसी ऑनलाइन साइट से लिया था, आई डोंट नो कहाँ से लिया था पर ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, दिखाती हूँ आपको भी। सो ये देखें कुछ इस तरह से लगता है पहना हुआ, बहुत ही डिसेंट सा, वाइट कलर के जूते वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, सब कपड़ों के तो ऑलमोस्ट चले जाते हैं। सो इसको उतारते हैं। उसके बाद ये मेरे को जॉगर्स हैं और ये वाले, ये भी मैं बहुत पहनती हूँ, ये भी मैं प्राइमार्क से लिए हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल हैं, ये भी प्राइमार्क से लिया हुआ है, ख़राब भी थोड़ा थोड़ा हो गया है मुझे लग रहा है, ये भी प्राइमार्क से लिया हुआ है और ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया था, ये भी मैंने ECS से लिया था और ये भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है लेकिन ये पहना हुआ इतना अच्छा लगता है, दिल नहीं कर रहा इसको पहनने का। चेक करें आप ये देखें पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है, किसका दिल करेगा इसको पहनने का, इतना अच्छा लग रहा है पहना हुआ, तो पहन लूँगी मैं खैर है। उसके बाद कमिंग टू द स्पेशल वन, क्योंकि ये मुझे बकार ने मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किया था और मैंने इसको एक दफ़ा भी नहीं पहना, ये विंटर्स के लिए बेस्ट है, इस तरह से बना हुआ इतना प्यारा कलर, इतना प्यारा डिज़ाइन, और वो अक्सर मुझसे पूछता है कि कहाँ फेंका हुआ है उसको, लेकिन मैं इसको संभाल के रखा हुआ है और पहनूंगी इंशाल्लाह इन सर्दियों में जो है ना, मैं इनको पहनूंगी। यस हाँ जी, तो यहाँ पे मेरी यही छोटी सी शू कलेक्शन थी, पाकिस्तान जाऊँगी इंशाल्लाह तब वहाँ जाके प्रॉपर आपको अपनी शू कलेक्शन दिखाऊंगी जो वहाँ पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी अगर मेरी शूज़ में कोई इजाफा हुआ तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी, और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बताना कौन सा सबसे अच्छा लगा। थैंक यू करोगे क्या कहूँ मैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू कट ऑल दीज, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हुआ जाता है, आज हमने ब्लैक चने बनाने आज आई शोड यू अर्लियर, तो ये टोमेटोज का कलर कितना अच्छा आ रहा है ना, सो यस लेट्स कट। सो प्रेशर कुकर में मैंने चने वगैरह सब कुछ डाल के रख दिया है, अब इसको वेट करते हैं, कुछ धोने वाले बर्तन हैं इनको धो लेते हैं, बाहर सुबह से आज बारिश ही हुई जा रही है, चलें करते हैं फिर काम साथ साथ दिखाती हूँ आपको। बाबा इज बैक होम विद सो मेनी थिंग्स, और देखते हैं क्या है। तो मंगवाया था काफी कुछ था बट वकार सिंह की काफी चीजें जो है वो नहीं मिली, तो ये कुछ मैगीज हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स वाली, और ये टक बिस्किट मरिंडा मसर खत्म हुए हुए थे, ये कुछ चिकन के तीन हैं पैकेट, इसके अलावा ये जिंजर गार्लिक और भिंडी, ये मंगवाई हैं कुछ चीज़ें, कल शायद हम यही बनाएंगे, एंड हमारे पराठे भी ख़त्म हो रहे थे तो ये भी मंगवा लिए, अब इनको रखते हैं हम फ्रीजर में। तो चलें हमने बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिए हैं और ये पानी अब ड्राई हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और तब तक मैं जो है ना चावल भिगो लेती हूँ, इसके अंदर हमने चावल डाल के रखे हुए हैं तो आराम से जो है ना आसानी होती है फिर निकाल, इस ग्लास के हिसाब से हम भिगोते हैं, ठीक है। तो खाना हमारा हो गया रेडी, आज चावल भी अच्छे बॉयल हो गए हैं, और ये रहे हमारे ब्लैक चने, ओह नो। सो
सो ये रहे हमारे चने, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मेरी फ्रेंड है हुमा, वो मुझे कहती है कि ये तुम्हारे ब्लैक चने और चावल देखे ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो हुमा तुम भी आ जाओ खा लो आके। हाँ जी, तो खाना हो गया हमारा फाइनली रेडी और अभी बहुत भूख लग रही, तो जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हुआ कुछ ही, खाना खाने के बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई और मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और अभी 8:40 हो गए, वो कार्य मस्जिद जाना था तो उसने मुझे उठाया है, तो मुझे होश आया, मैं सोई हुई थी बहुत, यू नो पता नहीं एकदम से बहुत नींद आ गई। तो खैर अभी उठ गई हूँ और बाहर चलते हैं। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि मैं कितना सही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you.